जिम्मेदार मैं हूं भैया, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना प्लीज भैया। मैं आपकी चीते जी वो राहुल नहीं बन सका जिसकी आपको उम्मीद थी, लेकिन आपकी मौत ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि जिम्मेदारी क्या होती है। अब मैं वो राहुल बनकर दिखाऊंगा जिस पर सबको नाज होगा। I promise you, Priya. I promise सिर्फ 20 मिनट लगते हैं उसे बेवकूफ बनाने में। ओह गॉड, आज तक के ब्रॉडकास्ट में मैं इतना नहीं हंसी। आप दोनों की चीटिंग तो बहुत कमाल की है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। दरअसल ऐसा नहीं कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहे, झगड़ते हैं, लेकिन यू नो वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। सही रहे। ये आवाज तो हुई है जो उस दिन एक्सीडेंट वाला किस्सा सुना रही थी। आप तो अपनों से ही लड़ते हैं ना। कितनी अच्छी आवाज है। अजनबी से तो नहीं लड़ते है कि नहीं? और यही बात, ये इसकी हंसी कितनी अच्छी लगती है। जितनी अच्छी आवाज है उतने अच्छे ख्यालात है इस लड़की के। इसकी आवाज इतनी मीठी है, वो खुद कैसी होगी। वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि एक आदमी की जिंदगी में औरत का होना बहुत जरूरी है। यू नो, इससे उसकी जिंदगी में मैच्योरिटी, एक डेप्थ का लेवल आता है। और वैसे भी इंसानों को, खासतौर से आदमियों को, वक्त के साथ में बदलते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक, राइट। और वैसे सब कुछ सही भी है। जिंदगी में वक्त अगर किसी के लिए रुकता है तो वो है औरतों के लिए। वो कैसे? I'll explain it to you. देखिए, 30 का हो जाने के बाद औरत की जिंदगी में वक्त रुक जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता। फोन करके पता लगाना चाहिए कि ये लड़की है कौन।
हेलो, कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ रेडियो जे? हेलो, क्या मैं ये रेडियो जे द जे शो की अनाउंसर से बात कर सकता हूँ? यस श्योर, प्लीज होल्ड ऑन, आई विल चेक इट। मेघा, तुम्हारे लिए कोई फोन है? मेघा, मेरे लिए? कौन है? पता नहीं, तुम्हारा नाम तो नहीं जानता लेकिन तुमसे बात करना चाहता है। शायद अभी तुम्हारा ब्रॉडकास्ट सुना है उसने। मेरे फैन का ही होगा यार, जाने दे, मैं नहीं बात करना चाहती। तो अच्छा, मेरा नाम और मेरा नंबर उसे नहीं बताना, घर पे फोन करके मुझे परेशान करेगा। प्लीज एक काम करना, तू ही टाल देना, कह देना कि मैं कब की चली गई। ओके, मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद उसे फौरन बुला लेती। ठीक है ना, बुला ले, मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ। चलो बाय, गुड नाइट। हेलो सर, आई एम सॉरी, वो तो जा चुकी है। ओह आई सी। अच्छा, क्या मैं उनका नाम जान सकता हूँ? आई एम सॉरी सर, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स अगेंस्ट रूल। पर मैं सिर्फ उनका नाम पूछ रहा हूँ, उनके घर का पता नहीं। आई एम हेल्पलेस सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ओके, थैंक्स अ लॉट एनीवे। सब मेरी वजह से हुआ। ना मेरा एक्सीडेंट होता, ना प्रेम भैया को बाहर जाना पड़ता और ना ही हादसा होता। हॉस्पिटल से तो छूट गया लेकिन इस गिल्ट से कभी निजात नहीं पा पाऊंगा। हादसा तो गोपाल अंकल के घर में फिर भी होता है ना? हाँ, अगर प्रेम भैया नहीं जाते तो राहुल जाता। पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर राहुल जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मंगेश, तुझे रोहित से बात करनी है ना? चल देखते हैं वो आ गया होगा। अच्छा राहुल, मैं आता हूँ अभी। हाँ कैसी हो माला? ठीक हूँ। राहुल, प्रेम भैया के साथ जो भी, मेरा मतलब है, हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि सब पर क्या गुजर रही है और खास करके तुम पर। मैं ये भी जानती हूँ, और तुम्हारे दोस्तों ने भी कहा होगा, और शायद तुम भी ये समझते हो कि अगर प्रेम भैया की जगह तुम गए होते तो ऐसा शायद नहीं होता। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती राहुल, जो होना होता है वो होता है, होने को कोई नहीं टाल सकता। यू डोंट हैव टू फील गिल्टी फॉर दिस। मेरे पास एक तरीका है, तुम्हें याद है तुम मुझसे कहा करते थे कि प्रेम भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं कि मैं जिम्मेदार बनूं, खूब नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं। राहुल, ये वक्त अगर मगर शायद करने का नहीं है। वो चाहते थे कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, ये प्रेम भैया का सपना था और तुम्हें ये सपना पूरा करना है। तुम ठीक कहती हो, मैं प्रेम भैया की जगह तो नहीं ले सकता लेकिन उनकी आत्मा को शांति जरूर पहुंचा सकता हूं, अगर मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूं तो। अब तुम देखना, मैं नौकरी ढूंढूंगा
एक अच्छे से घर में अर्चना की शादी करूंगा, घर का ख्याल रखूंगा, वो सब कुछ करूंगा जो बहुत पहले मुझे करना चाहिए था। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। राहुल मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। आई प्रॉमिस। तिवारी, है तिवारी, जी साहब, माला किधर है? वो तो माला किधर है? ये बाहर गई। देखो, वो बाहर गई है, वो मुझे भी मालूम है। अगर वो घर के अंदर नहीं है तो बाहर गई है, लेकिन वो कहाँ गई है मालूम नहीं। उसके साथ कितने बॉडीगार्ड्स गए? मेरी तरफ देख के बात करो, माला के साथ कितने बॉडीगार्ड्स गए? इसका मतलब है कि आज भी माला के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं गया। तिवारी, तुम्हें इधर क्यों रखा गया है? हाँ, अगर मेरी बेटी पर कोई खरोच भी आया ना आज, तिवारी, आज तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ओके, माला कहाँ गई थी? बाहर। देखो, तुम है ना, तुम मेरे साथ तमीज से बात किया करो। सच्चाई बदतमीजी कैसे हो सकती है पापा? और मैं आपसे सच कह रही हूं कि मैं बाहर गई थी। तुम्हारे साथ कितने बॉडीगार्ड्स गए थे? बॉडीगार्ड किस लिए? तुम्हारी हिफाजत के लिए। मौत से जिंदगी की हिफाजत पापा? माना, इनफ इनफ। पापा, मौत तो जब आनी है तब आएगी, और जब आएगी तब उसे ना तो मैं रोक सकती हूँ, ना आप और ना आपके बॉडीगार्ड। मैं देख रहा हूँ आजकल माला, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी होते जा रही है। आपके सामने तो कोई जबान खोल ही नहीं सकता। देखो, बात जबान तक है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी मनमानी से मेरे शान और शौकत या इज्जत को कोई ठेस पहुंचाना, माला, बी केयरफुल। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बरसों रहकर एक दूसरे को बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ ही पलों में एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि जैसे बरसों एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को पहचानते हो। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा ये रिश्ता जिंदगी भर कायम रहे। आज जिंदगी भर, इतने दिनों के बाद तो हमारा ये दिन आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, मैं देरी करूंगा? काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। ओके,
तुम कब तक हकीकत को झुठलाने की कोशिश करती रहोगी? प्रेम अब हमारे बीच में नहीं है, ये सच्चाई है। और जितनी जल्दी तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लो उतना ही अच्छा होगा, वरना तुम अंदर ही अंदर घुट घुट के न जाने क्या हाल बना लोगी, अपने आप को ही खत्म कर लोगी तुम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.